हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड, यानी कि ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट इज 7/3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7/3 को हमने 2 से भाग करना है। तो हम जानते हैं कि हम कैसे करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, जो पहले हमारे पास जो भी भिन्न है, जैसे 7/3 है, इसको वैसे ही उतार लेंगे हम नीचे, और जो भाग का चिन्ह है ये बदल जाएगा गुणा के चिन्ह में, और इसके आगे जो भी होगा उसका ले लेंगे हम रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रम। तो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब उसके नीचे क्या है, 1। अंडरस्टूड है, ये 1 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, चेंज कर दिया हमने इसको। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जब लिखते हैं तो हम इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा देना चाहिए हमें, हमें पता चलता है कि हम इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कर रहे हैं। तो 7/1/3/2 इज इक्वल टू 7 × 7 × 6, ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास, सेकेंड पार्ट है 4/9/5, यानी कि 4/9 को हमने भाग करना है 5 के साथ। तो हमें पता है कि फर्स्ट जो हमारे पास, चाहे वो होल नंबर होगा चाहे फ्रैक्शन होगा, उसको एज इट इज़ उतार देना, उसको कोई चेंज नहीं करनी हमने। आगे जो डिवीजन का साइन है उसको हमने किस में चेंज कर देना, मल्टीप्लिकेशन में, और इसके आगे जो भी होगा उसका क्या ले लेते हैं, व्युत्क्रम। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5। अब 4 × 1 = 4 कर देंगे और 9 को गुणा कर देंगे 5 से, तो ये आ गया हमारे पास 4/45 आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास दिया गया, थर्ड पार्ट इज 6/13/7। तो देखो क्या करना है इसमें, 6/13 तो आ गया, वैसे ही उतार दिया इसको, जो भाग का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा बोलो, यस गुणा के चिन्ह में, और 7 का जो व्युत्क्रम लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज, हमें पता लग गया अब 1/7 होता है। अब इसको लिख सकते हैं गुणा के फॉर्म में, 13 × 7, और ये आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो भाग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कट रहा, न्यूमरेटर और डिनोमेटर में आपस में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो कटेगी नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 6, और 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 7 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 13/91। समझने के बाद, अच्छा जी, अब चलते हैं हम पार्ट नंबर कौन सा, फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ क्या दिया गया हमें, 4/1/3/3। अब देखो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास, मिश्रित भिन्न के रूप में है, तो हम पहले इसको चेंज कर देते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो 4 × 3 = 12, 12 और आगे जो भी है हमारे पास इसमें ऐड कर देंगे, 12 + 1 कितना हो गया, 13 और भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, गुणा में, और इसका ले लेंगे व्युत्क्रम, तो आ जाएगा हमारे पास 1/3। यस, नेक्स्ट स्टेप हम इसको इस फॉर्म में ले देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 9, फिर कुछ भी नहीं कट रहा है आपस में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 13 और 3 × 3 = 9 इज द आंसर, 13/9। पार्ट नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं हम। पार्ट नंबर फिफ्थ इज 3/1/2/4। अच्छा, अब देखो फिर वही स्टेप, 3 × 6 + 1 = 7/2, ठीक है, 7/2 को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, भाग करके 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। डिवीजन का साइन बोलो इसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, इसके आगे क्या हमारे पास, 4 का रेसिप्रोकल बोलो, 1/4,
4, यस हम इसको लिख देते हैं इस फॉर्म में 2 इंटू 4 और फिर द्वारा चेक किया कुछ भी नहीं कट रहा है, सिंपलेस फॉर्म में ये 7 बन जा 7 एंड 4 टू जा 8 इज द आंसर। पार्ट नंबर सिक्स इज 4 एंड 3 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 7। अगेन 7 फोर जा 28 में प्लस करेंगे हम 3 तो कितना आ जाएगा 31 अपॉन 7। नाउ डिवीजन इज चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन, भाग का चिन्ह किसमें बन गया मल्टीप्लिकेशन में और 7 का क्या ले लिया हमने रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम ले लेंगे इसका। तो 7 का रेसिप्रोकल होता है 1/7, इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं 7 × 7। अगेन 31 डिवाइड बाय 7 × 7 = 49 इज द आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो, यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में जो होगा उसको हमने दूसरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, 7 × 4 = 28 यानी कि इसको इससे गुणा करना है और आगे प्लस कर देना है, 31 अपॉन 7 आ गया। डिवीजन का साइन जो है वो किस में चेंज हो गया रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में और इससे आगे जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल ले लिया यानी कि व्युत्क्रम ले लिया, आगे कैलकुलेशन कर दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।